यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन ऑल, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मोनेटाइजेशन एक्सट्रीम वीडियोस, यहाँ पे इस तरीके का सर्चिंग ले रहा है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो जरूर से कर लेना। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद में क्या क्या करना पड़ता है, और तीन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जो आपको कर लेना है। ये सब सेटिंग ऑन करने के बाद में ही आपके वीडियो पर ऐड आएंगे और आपका अर्निंग होगा। मोनेटाइजेशन जो होता है ऑन करना पड़ता है, ऑटोमेटिक आपका मतलब मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता है। जैसा वीडियो में जो मोनेटाइजेशन होता है डॉलर वाला ऑप्शन, उसको ऑन करना पड़ता है। तो ए टू जेड एक ही बार में आपका सुपर थैंक्स, आपका मोनेटाइजेशन, सब कुछ एक ही बार में ऑन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दें। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ, अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले अपने वाईटी स्टूडियो को ओपन कर लेना है फ्रेंड। अगर आप चाहें तो वाईटी स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप साइड में जाकर लॉगिन करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन वाईटी स्टूडियो में इजी तरीके से हो जाता है, इसके से मैं आपको इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। सिंपली वाईटी स्टूडियो को ओपन कर लेना फ्रेंड। वाईटी स्टूडियो ओपन करने के बाद में मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कैसे करते हैं, और इसको जब तक ऑन नहीं करेंगे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मतलब जब तक ऑन नहीं करेंगे जब तक आपका डॉलर बनेगा ही नहीं, मतलब आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं मेरा जो चैनल है कल ही मोनेटाइज हो गया है, लेकिन मैंने ऑन नहीं किया। यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू जो है एस डॉलर जो है जीरो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपली अर्न वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब यहाँ पे ये तीन ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब ब्लू कलर में है, लेकिन इसको अभी एक्टिव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड लिखा हुआ रहा है, यू आर ये यूट्यूब पार्टनर वॉज टू अर्न टू मेक मनी टर्न ऑन द मोनेटाइजेशन फ्यूचर ब्लो फॉर डिटेल्स ऑन एच क्लिक गेट स्टार्ट। मतलब ये बता रहा है कि सबको मतलब जो ब्लू में है इसको मतलब एक्सेप्ट करके उसके बाद में इसको ऑन कर लेना है, आपके चैनल पर अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है वॉच पेज एड्स, ये सबसे पहले आपको ऑन कर लेना है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है अर्न फ्रॉम एड्स एंड टू यूट्यूब प्राइमियम ऑन द वॉच पेज, ये मतलब लॉन्ग वीडियो के लिए। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है टर्न ऑन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं उसका जो मतलब टर्म्स कंडीशन है वो सब दिखा रहा है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नीचे आना फ्रेंड, और नीचे आना, यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द वॉच पेज। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है रिव्यू वॉच पेज टर्म्स, ये मतलब रिव्यू हो रहा है अभी। यहाँ पे देखते हैं ये मतलब ऐड जो है वो आ चुका है पूरे तरीके से। तो सिंपली और स्क्रॉल करना है फ्रेंड, और स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं मतलब आपका एड्स होगा वो इस तरह का शो होगा, सब कुछ दिखा रहा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे देखते हैं लिखा हो रहा है नेक्स्ट वाला ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है ऑल ऑफ माय एक्सटेंडिंग वीडियोस, उसके बाद में यहाँ पे आई विल चॉइस, मतलब यहाँ पे चॉइस करके लगा सकते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन ऑल, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मोनेटाइजेशन एक्सटिंग वीडियोस, यहाँ पे इस तरीके का सर्चिंग ले रहा है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो जरूर से कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है एक्टिव हो चुका है आपके सामने, लाइव में करके दिखाया, कोई फेक नहीं है, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है शॉर्ट फीड एड्स, मतलब आप कभी ना कभी तो शॉर्ट वीडियो बनाते होंगे या बनाए होंगे, तो शॉर्ट वीडियो से भी अर्निंग होगा, लॉन्ग वीडियो से अर्निंग होगा, उसके साथ साथ में शॉर्ट वीडियो से भी अर्निंग होगा। अगर आप एक दो शॉर्ट वीडियो डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं, फिर भी आप इसको ऑन कर लेना है। कभी ना कभी आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं, अगर उस पर व्यूज़ अच्छा खासा आएगा तो उसका भी अर्निंग आपको मिलेगा, उसका भी रेवेन्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ रहा है गेट स्टार्ट शॉर्ट वाले ऑप्शन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा रहा है टर्न ऑन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नीचे आना है, इसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो टाइम है। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड टर्म्स, मतलब आपके जो शॉर्ट वीडियो है उससे भी अर्निंग होने वाला है, सिंपली आपको इस पर टिक मार देना है। करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है एक्सेप्ट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं लिखा रिव्यू शॉर्ट्स फिट एड टर्म्स, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे ये भी मतलब एक्टिव हो गया फ्रेंड, यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक्टिव हो गया है। अब तीसरा बचा है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से करना है, अदरवाइज आपके मतलब सुपर थैंक्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते लिखा हुआ है सुपर गेट स्टार्ट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखते लिखा हुआ है टर्न ऑन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल मैं सही तरीके से जेन्युइन तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, मतलब सही तरीके से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज गलत तरीके से कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपको मतलब कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे और स्क्रॉल करना है फ्रेंड, और स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करना है। इसका मतलब देख सकते हैं कितना मतलब इसके बारे में है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हो रहा है फुल नेम रिक्वायर्ड, उसके बाद में ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड, उसके बाद में कंपनी नेम। अब फ्रेंड यहाँ पे आपको डालना क्या है, जो फुल नेम है फ्रेंड, आपने जिस आईडी से एडसेंस गूगल एडसेंस जो बनाया हो, मतलब जिस भी आईडी से, उस आईडी का यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे लिखा रहा है ईमेल एड्रेस, मतलब जिस जीमेल से आपने चैनल बनाया उस जीमेल को यहाँ पे डालना है, मतलब ईमेल एड्रेस जो होता है तो उस जीमेल को डालना है फ्रेंड। उसके बाद में यहाँ पे लिखा रहा है कंपनी नेम रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं मतलब कोई जॉब करते हैं उसका भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अपने चैनल का लिंक डाल सकते हैं। तो मैं अपने चैनल का लिंक डालूंगा फ्रेंड, यहाँ पे मैं फटाफट डाल देता हूँ, आपको डाल देना है, बिल्कुल ईजी है फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड सब डालने के बाद में सबसे फर्स्ट जो है नाम डालना है, उसके बाद में आपका जो जीमेल आईडी, जिस जीमेल आईडी को मतलब जिस जीमेल आईडी से गूगल एडसेंस बनाया हो उसको, उसके बाद में यहाँ पे लिखा रहा है आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड दिस एग्रीमेंट बाय क्लिकिंग आई एक्सेप्ट आई हैव द अथॉरिटी टू विन द फ्रेंड। यहाँ पे आपको करना क्या है, टिक वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। सब करने के बाद में यहाँ पे टिक कर देना है, उसके बाद में सही तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं लिखा हो रहा है सब करने के बाद में, चेक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हो रहा है एक्सेप्ट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पे देखते हैं लिखा हो रहा है टर्न ऑन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में और नीचे आना है फ्रेंड, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखते हैं ये मतलब सब कुछ एक्टिव हो, मतलब तीनों ऑप्शन एक्टिव हो गया। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया हूँ, ऐसा नहीं कोई फेक वीडियो है, मतलब सही तरीके से आपको इस वीडियो को देखना। अगर नहीं पता चला हो अभी भी तो एक बार वापस करके फिर से इस वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही तरीके से, और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नए नए अपडेट आते हैं तो उस हिसाब से रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके आपको कर लेना है, यहाँ पे सब कुछ मतलब हो गया है, यहाँ पे सब कुछ एक्टिव हो गया फ्रेंड, अब आपका अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में ए टू जेड जानकारी आपको देता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड।